हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग एनआईई स्कूल। तो गाइस, आज मैंने ये कुर्ता वगैरह पहन लिया है और आज हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म हो रहा है और आज हम कंप्लीट ग्रेविटेशन चैप्टर को डिटेल में खत्म कर देंगे। मतलब कि हमारा जो पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 14, 14 पेजेस का ये हमारा चैप्टर था और इस चैप्टर को 9 लेक्चर में, मतलब 9 घंटे में हमने पढ़ के खत्म किया। आज का लेक्चर मिला के 9 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने 8 घंटे यानी लेक्चर 8 तक हमने पूरा पढ़ा दिया है। तो गाइस, आप सबको तो पता ही है कि एक एक चीजों को डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीजों को एकदम डिटेल में, वो भी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप सो कि मुझे किसी और के चैनल या किसी और के वीडियो से कुछ कंपेयर नहीं करना है। अगर मेरे वीडियो में 500-600 बच्चे भी देख रहे हैं ना, तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो 500 बच्चे जब देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि वीडियो का कंटेंट कैसा है। और अगर तुम्हें बिलीव ना हो, तो जिस तरीके से मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के और लेक्चर नंबर आज 9 तक जो मैं पढ़ाया हूँ, तुम जाके अपने किसी भी टॉपर फ्रेंड से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना और अगर उसने वैसे ही तरीके से आंसर दे दिया तो मैं मान लूंगा। और मैंने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल सब कुछ करवाया है और इतना डिटेल में करवाया कि मैं क्या कहूँ। स्कूल कॉलेज ट्यूशन की टीचर्स तो भाई सिर्फ 3 घंटे में पढ़ा के खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आज हम पहले पढ़ेंगे, फिर स्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे, स्केप वेलोसिटी का कंप्लीट डेरिवेशन भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इस तरीके से आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। चलो यहाँ पे फटाफट स्टार्ट किया जाता है अब, ठीक है। तो आज कोई मैंने नोट्स वगैरह यहाँ पे नहीं बनाई है, क्यों? क्योंकि आज नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का पूरा लेक्चर थियोरेटिकल होने वाला है। मतलब कंप्लीट तरीके से सिर्फ और सिर्फ आज के हम इस लेक्चर में थियोरी पढ़ने वाले हैं, मतलब कि इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं रहने वाली है। तो चलिए गाइस, हमारे चैनल को देख लेना, सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम प्रशांत है और एनआईई स्कूल तुम पढ़ रहे हो। किसी ने पूछा कहां से पढ़ता है, बोल देना एनआईई स्कूल से पढ़ता हूं, ठीक है। चलो तो अब हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा समराइज कर देता हूं, जैसे कि तुम्हें पता है, ठीक है। तो थोड़ी सी समरी तुम्हें दे देता हूं और इसके बाद बताता हूं कि इसके पहले हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो गाइस, इसके पहले हमने पढ़ा था फ्री फॉल के बारे में। किसके बारे में हमने इसके पहले पढ़ा था? फ्री फॉल के बारे में। हमने देखा था कि फ्री फॉल आखिर होता क्या है। हमने देखा था कि एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान देना अच्छे से। देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग। मस्त, बोर्ड एग्जाम में यही लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये फ्री फॉल अच्छे से डेफिनेशन याद रखना। कभी भी फ्री फॉल की जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं? कंडीशंस भी मैंने बताई थी कि हमेशा यू की वैल्यू 0 होगी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, सब पढ़ाया है मैंने, यू कैसे आया, क्या होता है, ठीक है। और ए एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर होता है, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ए इज नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके पहले हमने पढ़ी थी, हमने इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस भी देखे थे। तो चलिए आज हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आज हम किसके बारे में देखेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज हम देखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले हम क्या जानेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे, जो कि कोई चीज तुम्हें कोई टीचर नहीं बताएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है? एनर्जी स्टोर्ड ऑन बॉडी विच इज एट रेस्ट पोजिशन। इस चीज को ध्यान रखना, मतलब कि अगर हमारी बॉडी कोई ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर कोई भी बॉडी अगर ऐसे रखी हुई है,
ठीक है, कोई बॉडी रखी हुई है, तो ये बॉडी ना तो हिल रही है ना ही चल रही है, तो इसके पास जो भी एनर्जी रहेगी, जो भी एनर्जी रहेगी, दैट एनर्जी इज नथिंग बट दी पोटेंशियल एनर्जी। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? इसको तुमने कहां पढ़ा है? इस चीज को तुमने कहां पढ़ा है? 9th स्टैंडर्ड में। कहां पे? चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 9th स्टैंडर्ड की साइंस में तुमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी स्टोर्ड ऑन द बॉडी एट रेस्ट पोजिशन, मतलब कोई भी बॉडी चल फिर नहीं रही है, वो एक रेस्ट पोजिशन पे रखी हुई है। और रेस्ट जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं और मैं ना हिलू ना डुलू ना कुछ भी नहीं करूं, तो मेरे पास जितनी भी एनर्जी होगी ना इस वक्त मेरे शरीर में, कुछ तो एनर्जी होगी ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही मैं चलना शुरू कर दूंगा, मेरे में वेलोसिटी आ गई, तो जो भी मेरे पास एनर्जी रहेगी वो मेरी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। समझ में आ गया अच्छे से? इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, किसी ने पूछा क्या होता है, तो क्या बताओगे? एनर्जी स्टोर्ड इन दी बॉडी, या सिंपल भाषा में कहूं तो स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, जो स्टोर है एनर्जी वो। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? डायनेमिक, यानी कि एनर्जी, एनर्जी प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी, एनर्जी प्रेजेंट इन मूविंग बॉडी, इसमें कैसा है? स्टोर्ड इन द रेस्ट पोजिशन वाली बॉडी में। और इसमें कैसा है कंडीशन? इसमें मूविंग बॉडी। समझ में आया अच्छे से? इस बात को ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी, अब जब बॉडी मूव कर रही है, जब कोई, अब ये मान लो मूव करना शुरू करेगी, तो लेक्चर नंबर 1 में बताया था ना कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें कुछ तो वेलोसिटी आ जाती है, तो कुछ तो उसमें क्या होगा? वेलोसिटी। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? अब मान लो ये बॉडी मूव कर रही है तो इसका मास मान लो एम है। समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? कुछ दिमाग में घुस रही है बातें? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो और जब ये मूव कर रही है तो कुछ तो इसकी वेलोसिटी होगी, तो फॉर्मूला क्या बनता है? 1/2 mv का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। समझा? 1/2 mv का स्क्वायर, क्लास 9th में इसको हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है। चलो, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो कभी भी बच्चा लोग एक बात ध्यान देना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग ना हाइट में मेजर करते हैं, हाइट में मेजर करते हैं। मतलब कि बॉडी हमारी रेस्ट पोजिशन में तो है, चुपचाप रखी हुई है, और उसके पास जो भी एनर्जी है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो कहां रखी हुई है? मतलब मान लो कि जमीन है, ये हमारा अर्थ का ग्राउंड लेवल है, तो यहां से हमारी ऑब्जेक्ट कहां रखी है? हमारे घर के छत में रखी है, या पेड़ के ऊपर लगा हुआ है कोई आम, तो वो ऊपर थोड़ा हाइट में है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ना थोड़ी सी हाइट में, थोड़ी सी हाइट में, अर्थ के ग्राउंड से थोड़ी सी हाइट में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। मतलब उस बॉडी का कितना पोटेंशियल है उसके पास एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। समझा अच्छे से? तो अब मान लो ये ऑब्जेक्ट का मास m है और थोड़ी सी हाइट h पे रखा हुआ है, अर्थ की हाइट से थोड़ा सा। अब अगर यही मान लो अर्थ में ही रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट मान लो अर्थ में रख दिया, जमीन में रख दिया, तो क्या होगा? तब क्या होगा? रुको बताऊंगा अभी। पहले h मान लो थोड़े से हाइट में रखा हुआ है और मास कितना है? m है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जानते हो कितना होता है? पढ़ा भी होगा, मास और हमारा h और जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो लगेगा ना, क्योंकि हमारा जब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो अर्थ इसे खींचता है अपनी तरफ, तो जब इसमें अर्थ फोर्स लगाएगा तो कुछ तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन झटका लगेगा, तो वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी होगा। तो टोटल यहां पे ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है, mgh। समझ में आ गया? अब मान लो ये ऑब्जेक्ट अर्थ में रख दोगे तुम, मान लो ये ऑब्जेक्ट जमीन में रख दोगे, तो इस केस में अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? यहां पे अगेन यहां पे मैक्सिमम होने लगेगी। तो ये थोड़ा, नहीं, एक मिनट, उल्टा बता दिया मैंने। जा भाई, अरे आजा, ये हट ही नहीं रहा, चलो इधर से हटाता हूं, थोड़ा सा उल्टा बता दिया। यहां पे जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां पे हमारे अर्थ में आएगा तो हमारा जो जी की वैल्यू है एकदम मैक्सिमम होने लगती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो एकदम ज्यादा होने लगेगी अर्थ में, जमीन में, क्योंकि अब तुम ऑब्जेक्ट रख दिए हो।
रख दिए हो तुम, ठीक है। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा है क्या? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या? नहीं। ऑब्जेक्ट जब मूव करने लगेगा तो फिर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। समझा? अच्छे से ध्यान रखना। तो जब ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, जब ऑब्जेक्ट यहां पे आके चलने लगेगा, तब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल तो रेस्ट में होती है और बॉडी चल रही है तो रेस्ट में थोड़ी है, वो तो मूव कर रही है, और मूव कर रही तो काइनेटिक एनर्जी होगा, वही पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना। और अभी बॉडी आके रख दिया तुमने नीचे, तो पोटेंशियल ज्यादा, काइनेटिक जीरो, क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है ना, इसलिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने नाइन्थ में पढ़ा था, एक दो बार इसको रिवाइंड करके देखोगे ना तब जाके तुमको सब थोड़ा समझेगा, एक से दो बार रिवाइज करो, पीछे लो फिर देखो फिर लो ऐसे। तो मतलब कभी भी इतना याद रखो कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अर्थ के ऊपर हाइट में देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अर्थ से थोड़ा सा ऊपर हाइट में, एच हाइट पे देखते हैं, इसीलिए तो उसका फॉर्मूला एमजीएच बनता है ना, वरना एच क्यों आया? एच मतलब एट सम हाइट। समझा ना अच्छे से, इस बात को ध्यान देना। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा फोर्स से आता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जब अर्थ लगाता है इस ऑब्जेक्ट में तो कुछ तो इसमें एक्सीलरेशन बनेगा ना, तो दैट एक्सीलरेशन इज नथिंग बट द जी, एंड एम तो उस ऑब्जेक्ट का खुद का मास है। समझा अच्छे से? तो ऑब्जेक्ट जब यहां पे आने लगेगा नीचे, ठीक है, जब पूरा नीचे जमीन में आ जाएगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक जीरो, जब ऑब्जेक्ट आ रहा था तो काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो। इसी तरीके से ये सब हमने नाइन्थ में पढ़ा था, इतना थोड़ा बहुत मैंने जितना बता दिया, बस तुमको याद इतना रखना है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी एट रेस्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एमजीएच होता है, काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी में ही होती है सिर्फ, और 1/2 mv² उसका फॉर्मूला है, इतना आप लोग को बस याद रखना है, ठीक है। ये सब बस इतना याद कर लो, ये जो मैंने तुमको सिखाया, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, बस इतना याद रखो कि जब बॉडी रेस्ट में है तो ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, बॉडी अगर चल देगी तो उसमें पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। बॉडी अभी रखी हुई है हवा में ऊपर, तो उसके पास क्या है यहां पर? पोटेंशियल ज्यादा है और काइनेटिक जीरो है, काइनेटिक जीरो है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक क्यों जीरो है? क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है, रखी हुई है। जैसे ही बॉडी चलना नीचे आना शुरू करेगी तो काइनेटिक ज्यादा हो जाएगा और पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। फिर बॉडी जमीन में आएगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा और काइनेटिक हो जाएगा जीरो। समझा? क्यों? क्योंकि जब नीचे जमीन में रख दोगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा, रेस्ट में पोटेंशियल ज्यादा होगा, काइनेटिक जीरो। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखोगे तो समझेगा। कुछ मैंने एक्स्ट्रा बताया नहीं, जो नाइन्थ में पढ़ा था वही बताया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल मतलब ताकत, कितना भरा हुआ है ताकत, कितना स्टोर्ड है तुम्हारे अंदर एनर्जी। ये सब जो लिख दिया हूं ना, इतना तुम्हारे टीचर ने कभी बोर्ड में लिखा ही नहीं होगा, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इतना जो मैंने लिख के दे दिया तुमको। चलो कोई ना, अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम्हें बताओ, ये ऑब्जेक्ट नीचे तभी आ रहा था ना जब अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था। अर्थ के पास तो एक ही फोर्स है ना, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जब इसमें लगा रहा था तभी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ध्यान रखना अच्छे से। तो यहां पे क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बॉडी स्टोर्ड एट रेस्ट, मतलब स्टोर्ड एनर्जी एट रेस्ट पोजिशन इन द बॉडी। बट ग्रेविटेशनल और कभी भी पोटेंशियल एनर्जी फोर्स के वजह से ही होती है, बट यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो एनर्जी पोटेंशियल वाली होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो चलो कोई ना, फाइनली इतना तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम थोड़ी सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बातें करेंगे। देखो जरा ध्यान से यहां पे, तो ये है हमारा प्यारा सा अर्थ, छोटा सा प्यारा सा अर्थ है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि अर्थ का यहां से और ये सरफेस है, ये अर्थ का हमारे सरफेस है, ठीक है, और ये अर्थ का हमारा सेंटर है, मतलब अर्थ का सेंटर, और इसका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r है, रेडियस। डिस्टेंस अर्थ का रेडियस r, वही उसका डिस्टेंस भी है फ्रॉम सेंटर। कभी भी डिस्टेंस सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने यहां पर रख दिया, यहीं पर रख दिया, कहां पे? सरफेस में ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हमने सरफेस में रख दिया। तो अब तुम मुझे बताना कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी होगी।
तो पोटेंशियल एनर्जी, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एम है, ठीक है, और अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आएगा, और यहां से जो डिस्टेंस है इसका ये आर है, आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, एम जी, और सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, आर है, तो एम जी आर इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन 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 अब सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो, अच्छे से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखना कि अर्थ खींच रहा है हमारे इस ऑब्जेक्ट को, ये अर्थ खींच रहा है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, तो एम, और तुम सबको पता है कि हमारा जो जी की वैल्यू है, हमारे जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे लिख दो, जी के जगह में क्या लिखोगे, जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर और वापस से आर। तुम्हें क्या लगता है कि यहां पे तुम कुछ ना कुछ कट कर सकते हो क्या, तो एक आर यहां पे है और यहां आर का स्क्वायर मतलब दो आर, तो एक आर और एक आर कैंसल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा यहां पे, ये स्मॉल एम कैपिटल एम और कैपिटल जी अपॉन में सिर्फ आर बचेगा। तो यानी इसको अच्छे से लिख दो, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर मिलेगा, समझा, ये तुम्हें मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक बात को मैंने तुम्हें क्या, यही है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ध्यान रखना, लेकिन थोड़ी सी बात याद रखो कि हमारे इस ऑब्जेक्ट को हमारा ये अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। मान लो कि मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं चाहता हूं क्या कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी तरफ खींचे या फिर मेरे बिना मर्जी के कोई काम करे, नहीं, बट मान लो मेरी जो अर्थ है ये मुझे खींच रही है, मैं तो चाहता हूं कि मैं उड़ जाऊं, बट ये अर्थ मुझे खींच रही है, मैं क्या करूं, मेरे ना चाहते हुए भी अर्थ मुझे खींच रही है। तो अब ये तो मैंने इंग्लिश में या हिंदी में या अपनी भाषा में तुम्हें बता दिया, इसको साइंस की भाषा में कैसे बताओगे कि मैं नहीं चाहता फिर भी अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, मैं अर्थ में खड़ा हूं तो मेरे पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, अब मैं नहीं चाहता हूं कि अर्थ मुझे खींचे, स्टिल ये अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊं, तो मैं ये दिखाऊंगा कि जितनी भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी है मेरे ना चाहते हुए है, तो इसीलिए वो निगेटिव में दिखाऊंगा, क्योंकि अर्थ मेरे पे फोर्स लगा रहा है, मेरे मास को अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि मैं उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहता। अब ये चुपचाप यहां रखा हुआ है, अर्थ इसको क्यों खींच रहा है, इसके अपोजिट फोर्स लगा रहा है ना अर्थ, मेरे अपोजिट में अर्थ फोर्स लगा रहा है ना, उसको कैसे दिखाऊंगा, मतलब मेरी पोटेंशियल एनर्जी को अर्थ खींच रहा है, समझ रहा है, मेरे पोटेंशियल को खींच रहा है, मेरे ना चाहते हुए भी मैं चुपचाप रेस्ट में खड़ा हूं तो मेरी पोटेंशियल को खींच रहा है, तो ये निगेटिव हो गया ना मेरे लिए, तो निगेटिव साइन यहां पे दिखाते हैं सिंबल, निगेटिव सिंबल्स रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है हमारे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, समझा, ध्यान रखना अच्छे से। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, एट सरफेस, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं, मान लो अगर सरफेस पे नहीं है, सरफेस से थोड़ा सा आगे इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से उठा के और यहां पे रख दिया, यहां पे ऑब्जेक्ट को उठा के रख दिया, मतलब थोड़ा सा अर्थ के सरफेस के बाहर स्पेस में रख दिया, तो मैंने यहां से थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी ना, तो जब हम हाइट बढ़ा देते हैं, जब हम हाइट बढ़ा देते हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, तो जी की वैल्यू कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाता है, समझ में आया कि नहीं समझ में, यही होती है ना जी की वैल्यू, आर प्लस एच का होल स्क्वायर जी की वैल्यू। हाँ, तो यहां पे अब तुम फटाफट सारी चीजों को पुट करते जाओ और सॉल्व करते जाना, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगी, एम जी, और ये टोटल हाइट कितना है सेंटर से, आर प्लस एच है, तो आर प्लस एच लेना पड़ेगा, यहां पे सिर्फ आर ले लिया था क्योंकि हाइट आर थी, वैसे एच दिखा दो तुम आर के जगह में नो इशू, बट यहां से यहां तक का हाइट आर ही लेते हैं ना, थोड़ा इतना तो कॉमन सेंस रहेगा तुमको,
और अब H से दिखाओ, R से दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अब M और G की जगह में क्या लिखोगे, ये चीज, तो कैपिटल G अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, और यहाँ पे और यहाँ पे R प्लस H, ठीक है। अब तुम्हें भी पता है कि स्मॉल m कैपिटल G m, ये एक बार और ये पूरा एक बार कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ R प्लस H। इसको अच्छे से लिख दो, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m R प्लस H, माइनस साइन लगा देना पोटेंशियल एनर्जी का, ये फॉर्मूला एट हाइट, ठीक है। तो ये कहां है, ये वाला कहां पे है, एट सरफेस में, एट सरफेस, ये वाला आंसर कहां पे आया, एट हाइट, एट हाइट H, समझा, अच्छे से याद रखना, मतलब सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यों आया, याद है ना, अर्थ खींच रहा है ऑब्जेक्ट को, इसलिए अगर अर्थ नहीं खींचता तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बस उतनी ही होती ना, कोई उसको खींच ही नहीं रहा, माइनस साइन लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसीलिए। तो जी एम एम अपॉन आर यहां पर, क्योंकि आर ही डिस्टेंस है, और यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रख दिया, मतलब सैटेलाइट है या कुछ भी यहां पे घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, तो ये यहां से लेके एच, एक्स्ट्रा एच है, तो आर प्लस एच, पहले आर तो है ही, यहां से यहां तक आर, और एक्स्ट्रा एच आ गया, हाइट थोड़ी सी और ऊपर बढ़ गई, तो प्लस एच, समझा, ध्यान देना, माइनस साइन तो लगाना ही है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने अच्छे से तुम्हें समझाया है, बस इस जी की वैल्यू को याद रखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, यही तो हमारी जगह लगाते हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, ये जो हमने यहां पे MGH निकाला था, इसी की, ये H मतलब हाइट, फिलहाल यहां पे सेंटर से हाइट R है और ये H, मैं इसको ऊपर भी दिखा सकता था, ऐसा नहीं कि हाइट, ये हाइट तो हाइट है ना, अर्थ से हाइट, चाहे इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, अब सुपरमैन रहते इधर उड़ो चाहे इधर उड़ो चाहे ऊपर उड़ो, हाइट ही है ना सब, समझा अच्छे से, तो ध्यान रखना अच्छे से। तो क्लियर है सारी चीजें यहां तक, किसी को कोई डाउट है। चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा और मीनिंग बता देता हूं तुमको। चलो यहां पे आ जाओ, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का हमारा सेंटर है। अब तुम मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी तो इसी फॉर्मूले से मिलती है ना, एम जी एच, और जिसमें से G की वैल्यू क्या होती है, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, जिसमें से मैंने तुमको पहले ही पढ़ाया है कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो यहां पे हमें क्या मिल सकता है, ये अपॉन आर का स्क्वायर मिला करता है, वेयर आर इज दी हाइट, जिसे तुम रेडियस भी कह सकते हो, ठीक है, ध्यान देना अर्थ का। तो अब तुम मुझे बताओ कि जब सेंटर से मैं ऊपर जाऊंगा, ये मैं सरफेस में आ गया, यहां तक का तो हाइट आर है, जब मैं इसके ऊपर जाऊंगा और ऐसा जाते जाते मैं इंफिनिटी डिस्टेंस पे चला गया, इंफिनिटी में चला गया, तो अब तुम मुझे बताओ जब आर की वैल्यू बढ़ती है तो जी की वैल्यू घटेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब तुम हाइट बढ़ाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना, आर मतलब हाइट है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो जी की वैल्यू कम होगी ना, बहुत कम होगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, एच तुमने बढ़ा दिया इनफाइनाइट, अर्थ से बहुत दूर चले गए तुम, धरती से बहुत दूर चले गए, इनफाइनाइट चले गए डिस्टेंस में, मून को क्रॉस करके सोलार सिस्टम से बाहर भाग गए तुम। तो एच की वैल्यू बढ़ाओगे तो जी की वैल्यू कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, 0.00001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो मतलब तुम अज्यूम कर लो कि यहां पे जीरो हो गया ना, अब उतनी वैल्यू लिख के मतलब ही नहीं है। तो कभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में, इसको इनफाइनाइट का सिंबल कहते हैं, उल्टा आठ इनफाइनाइट का सिंबल है। तो इनफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, कभी भी सरफेस में, सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जी माइनस के साथ, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, क्योंकि हाइट कुछ भी नहीं है। और मान लो अगर थोड़ी सी हाइट मिल गई बेचारे को, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया थोड़ा सा, तो ये आर है और ये क्या बनेगा, एच बन जाएगा। तो फिर यहां पे ऑब्जेक्ट की हाइट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर यहां तक, और फिर ऊपर प्लस एच, तो ये हो जाएगी। तो ये थोड़ा याद रखो, मैंने जानबूझ के लिख दिया तुम्हें, ठीक है, अब इस बात को थोड़ा समझ के रखना। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस में आएगी, कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस साइन पहले ही लगा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी माइनस में ही आएगी, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी कभी भी जीरो से कम ही रहने वाली है,
प्लस में नहीं आ सकती, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं आ सकता। समझा अच्छे से? अगर कोई तुम्हें, अब देखो तुम्हें काम करना, एक तुमको क्वेश्चन देता हूं मैं, अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना चाहे, और चाहे इस अपने किसी टॉपर फ्रेंड से पूछ लेना, ठीक है। और उसे ना तुम ना क्या करना पता है क्या, उसे आंसर में ऐसा कुछ यहां पे ऐसे पूछना, तुम कुछ भी ऐसे पूछना कि भाई एक काम करना, मान ले कि तेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 10 ऐसे, मान लो अभी कुछ भी ऐसे तुम लिख दो, मतलब अब क्या ही कहेंगे, ऐसा कुछ भी ऐसा लिख दो, मान लो 10 जूल है, ठीक है, ऐसे 10 जूल है, प्लीज ना ध्यान सुनो, मान लो भाई तेरी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। अब एनर्जी की यूनिट जूल में मेजर करते हैं ना, इसके लिए मैंने 10 जूल लिख दिया। ग्रेविटेशनल, ये जी लिखना मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या तो इंग्लिश में लिख देना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 10 जूल है, ठीक है। तो बता भाई ऐसा कुछ उससे से क्वेश्चन पूछो तुम लोग, तो बता भाई कि किस उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की 10 जूल है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अब ना जब तुम्हारा फ्रेंड या कोई टीचर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेगा तो टीचर से तो पंगा मत लेना, थोड़ा हंस लेना, अंदर अंदर चलेगा। पहले ही क्या करना, जब तुम्हारा फ्रेंड रहेगा ना बोलने का, तू काइनेटिक एनर्जी पता करने चला है और तू बुद्धू है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने गलत दिया है तो भी इतना नहीं समझता, माइनस साइन आता है, कभी भी पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं हो सकता, जीरो या जीरो से कम रहेगा, -1, 2, 3, 4, 5 ऐसा माइनस में, +1, 2, 3 ऐसा हो ही नहीं सकता, तो तू काइनेटिक एनर्जी कहां से ढूंढने चल दिया, पहले ये देखना रॉन्ग आंसर है, समझा। तो ये बात ध्यान देना अच्छे से, ये सब तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, चलो कोई नहीं, मेरा क्या करना है, समझ गया अच्छे से। तो सरफेस में बोलेगा तो ये, इनफाइनाइट में तुम ना अपने पोटेंशियल एनर्जी अपने फ्रेंड से पूछना, पोटेंशियल एनर्जी भाई इन्फिनिटी में बता कितना होगा, अगर उसने बता दिया जीरो तो उससे बोलना भाई क्यों जीरो हुआ, ये समझा मेरे को, या टीचर से पूछना सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है एट इन्फिनिटी, मतलब पहले पूछो कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी में क्या होगी सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बोलेगा सर जीरो, सर ने अगर जीरो बताया तो बोलना क्यों हुआ सर, तो सर को यही समझाना चाहिए, अगर ये नहीं समझा रहे कुछ भी बता रहे तो समझ जाओगे सर ने तुमको टूचिया बनाया, टूचिया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू MgH, तो बताना कि भाई जी की फॉर्मूला ये होती है, जहां पे जीएम इक्वल टू हमने हटा दिया, वो हमने लेक्चर 4-5 में सीखा है, ये कॉन्स्टेंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनलिटी लगाया, आर की वैल्यू बढ़ती है जी घटता है, आर हमारा क्या है हाइट होती है, एच हमारा आर हाइट है, अरे ये आर हाइट है ना, आर हाइट है, समझा, रियलिटी में प्रैक्टिकली भी थोड़ा सोचा करो, तो ठीक है, अब एच बढ़ाओगे तो जी कम होगा, हाइट बढ़ाओगे तो जी कम होता है, अब हाइट इतना बढ़ा दिया कि इन्फिनिटी में पहुंचा दिया, तो जब इन्फिनिटी पहुंचाओगे तो जी भी इतना कम हो जाएगा कि इन्फिनिटी मतलब जीरो एकदम खत्म, इतना हो जाएगा ना जी की वैल्यू कम, अगर आर इतना बढ़ाओगे तो जी भी उतना कम हो जाएगा ना फिर, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो, क्योंकि ये पूरा जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जी जीरो तो सब जीरो, अब जी जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई एच इंटू एम कुछ भी करो सब जीरो आएगा ना, तो सब जीरो हो जाएगा, यहां पे क्या है थोड़ा सा हाइट में तो ये फॉर्मूला बनेगी तरह का, वो फॉर्मूला सरफेस में ये फॉर्मूला, तो ये थोड़ा याद रखो, ये सब ग्रेविटेशनल बुक में भी इतना नहीं दिया हुआ है, मैंने जो समझाया है बस इसको अच्छे से एक दो बार रिवाइंड करो, धमाकेदार चीजें समझेंगे तुम्हें, चलो अब समझेंगे, खत्म हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अब पढ़ेंगे हम लोग एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी जो मैंने समझाया उसको एक दो बार रिवाइंड करना, नहीं तो फिर भूल जाएगा, तो आप पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी। देखो भाई सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी पढ़ने से पहले अपन जानेंगे वेलोसिटी क्या होता है, फिर अपन जानेंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, आधे लोग को यही नहीं पता वेलोसिटी क्या होती है, तो पहले समझते हैं कि वेलोसिटी आती कहां से है, कॉज ऑफ वेलोसिटी क्या है, आज अपने दोस्तों से जाके पूछना कि चल बता वेलोसिटी कैसे आती है, कॉज ऑफ वेलोसिटी क्या है, मतलब वेलोसिटी के आने का रीजन क्या है, तो वो है बच्चा पार्टी फोर्स, ठीक है। और मान लो प्रैक्टिकली देखते हैं, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने रख दिया और इस ऑब्जेक्ट में तुमने यहां से क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा, जब ये मूव करता है तो इसमें क्या आता है, इसमें वेलोसिटी आ जाती है, इसमें क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी, क्योंकि भाग रहा है तो स्पीड या वेलोसिटी कुछ तो आई ना इसमें,
समझा? तो कॉज ऑफ वेलोसिटी फोर्स है भाई, मतलब बिना फोर्स के वेलोसिटी नहीं आ सकती किसी भी ऑब्जेक्ट में। इस बात को अच्छे से आप सभी लोगों को ध्यान में अपने रखना है। चलिए, तो वेलोसिटी आपको पता चल गई है, कॉज ऑफ वेलोसिटी क्या है। अब हम जानते हैं कि जब इस ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगा रहे थे तब तो इसमें कुछ भी वेलोसिटी नहीं थी, और जब फोर्स लग गया तो मस्त वाली वेलोसिटी इसमें आ गई। तो वेलोसिटी दो टाइप की होती है, पहली है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से दिखाते हैं और इसको हम वी से दिखाते हैं, ध्यान रखना अच्छे से। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब ये जो वेलोसिटी हमने यहां पे दे दी तुमको, तो ये वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, तो यहां पे ध्यान देना जरा अच्छे से। पहले लेक्चर में बताया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यही होती है, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो ये सब कुछ हमने वेलोसिटी के बारे में सीख लिया। आई होप आपको वेलोसिटी समझ गई कि क्या होती है। तो बिना फोर्स लगाए वेलोसिटी कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती है, चाहे वो स्टेप वेलोसिटी क्या होती सब बताऊंगा अभी। वेलोसिटी समझाना, बिना फोर्स के वेलोसिटी नहीं आती। आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे अर्थ हमारा फोर्स लगाता है और फिर वेलोसिटी आती है हमारे ऑब्जेक्ट में। समझा, वेलोसिटी मतलब कितने की तेज से भाग रहे हो, कितना भाग रहा है, वही है वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या चीज हो गई भाई। देखो, तो जब तुम फोर्स लगाते हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट फटाफट यहां इस पॉइंट से भाग के और इस पॉइंट में आ गया ना, ऐसा मान लो यहां पे आ गया, तो कितने तेजी से, कितने ताकत से, कितनी स्पीड से यहां आ गया, मतलब एक प्लेस को चेंज करके दूसरे प्लेस में कितना जल्दी आ गया, डिस्प्लेस कितना जल्दी हो गया। That is nothing but the displacement का चेंज होना, कितने रेट मतलब टाइम, कितना जल्दी, कितने टाइम में, कितने कम टाइम में उसने अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर दिया, यानी वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कितने टाइम में कर दिया, वही है उसकी वेलोसिटी। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से। अब देखते हैं भाई स्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो स्केप वेलोसिटी अब जानेंगे कि क्या होती है। समझा अच्छे से, देखो तो भाई जैसे कि हम लोग वेलोसिटी को v से दिखाते थे तो इसको हम लोग vesc से दिखाएंगे। vesc मतलब स्केप वेलोसिटी, अब नॉर्मल वेलोसिटी थोड़ी है ये, स्केप वेलोसिटी किससे दिखाएंगे अपन इसको, स्केप वेलोसिटी, इसको हम v से या u से दिखा रहे थे, इसको हम स्केप वेलोसिटी या ये v से दिखाएंगे। चलो स्केप का मतलब क्या होता है, स्केप का मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना, बाहर, स्केप मतलब बाहर निकलना। समझा अच्छे से मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, तो बाहर निकलना मतलब कहां से बाहर निकलना, और बाहर निकलते वक्त कितनी वेलोसिटी है तुम्हारे पास, या बाहर निकलने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, वो स्केप वेलोसिटी कहलाती है। सिंपल है ना, समझ में तो इतने में आ गया रहेगा। तो स्केप वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या होती है कि स्केप मतलब बाहर निकलना और वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, तो बाहर निकलने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, यही है स्केप वेलोसिटी। अब देखते हैं कि कहां से बाहर निकलना है, क्यों निकलना है, कौन पकड़ के रखा है कि बाहर निकलना है। समझा कि नहीं समझा, आ जाओ देखते हैं। तो अब जरा समझेंगे थोड़ा सा, चलो तुम्हें लेके चलता हूं मैं तारों के शहर में। तो आजा ले चलूं तुझे तारों के शहर में, ये पागल सी दुनिया हमें प्यार न करने देगी, आजा ले चलूं तुझे तारों के शहर में, ये पागल सी दुनिया हमें प्यार न करने देगी। ला 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 ला। अरे 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 नहीं ये अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला अच्छा है। चलो ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा सा अर्थ, ये हमारा प्यारा सा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। अब ध्यान देना अच्छे से, तो ये जो अर्थ है, थोड़ा समझते चलना आप।
अर्थ में मैंने राहुल और प्रिया ने हमें अर्थ में मतलब इस ग्रेविटेशन को पढ़ने में बहुत ही मदद की है, तो अब इनको एज अ गिफ्ट हम लोग स्पेस में भेजेंगे। तो प्रशांत भैया ने बनाया एक रॉकेट, और रॉकेट बना के इस रॉकेट में किसको बिठा दिया? राहुल और प्रिया को। तो राहुल प्रिया को बिठा दिया इस रॉकेट में, और अर्थ से इस रॉकेट को लॉन्च करना है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी अर्थ की ताकत देखते हैं कि अर्थ कितनी दूर तक किसी को खींच सकता है अपनी तरफ। बॉल फेंका मैंने, क्रिकेट की बॉल, तो कितना ऊपर तक जाएगा हमारी बॉल? अगर भाग गई बाहर तो बादलों के उस पार चली गई, एकदम बाहर चली गई, तो क्या करोगे? तब अर्थ नहीं खींच पाती है। तो अर्थ की एक औकात है, मतलब अर्थ सिर्फ इतना ही मान लो खींच सकता है। ये अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, मतलब इसके बाहर कोई निकल गया ना तो अर्थ के पास इतनी पावर, मतलब पावर नहीं है कि वो किसी चीज को खींच सके। तो मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है ये, तो अर्थ के पास इतनी बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि वो खींच सके इसको वापस से, ध्यान रखना। तो अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बारे में ध्यान रखना कि अर्थ की औकात है ये, अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस मतलब अर्थ के खींचने की ताकत। अर्थ सिर्फ यहीं तक खींच सकती किसी ऑब्जेक्ट को, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां, यहां गया एक बार तो फिर अर्थ के पास इतनी ताकत नहीं खींच लेगी, ऐसा समझ के रखो। ठीक है, चलो तो अब हम यहां से रॉकेट को फेंक रहे हैं, राहुल प्रिया बैठ गए, यहां से हमने जैसे ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से आग लगाई अपने रॉकेट में, इसरो में देखा रहेगा ना रॉकेट की लॉन्चिंग, तो जैसे ही आग लगाया मैंने तो मेरी रॉकेट यहां से गई अब अर्थ के पास बहुत ताकत आ गई, तो अर्थ ने हमारे रॉकेट को खींच लिया, यहां तक ही खींच लिया, हमारी आग खत्म हो गई, अब आगे नहीं जा रहा है। तो फिर अर्थ बन वापस से, हमारा राहुल प्रिया वापस आ गए अर्थ में। साइंटिस्टों ने सोचा भाई और ताकत लगाएंगे तो इस बार जोर से जाएंगे, फिर अर्थ खींच लिया, समझा अच्छे से ऐसे। इस बार साइंटिस्टों ने बोला भाई इस बार तो इतना ताकत लगाएंगे कि एकदम बाहर चली जाएगी, समझा? तो फिर से ताकत फिर से लगाओ, इधर से कितनी वेलोसिटी दो, पहले कम वेलोसिटी दिया था ना, कम स्पीड दिया था तो नहीं जा पाई थी, अर्थ खींच लिया उसको, अब इस बार थोड़ी और वेलोसिटी, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ना, इस बार और तेज लगाएंगे, निकल गई भाई, चली गई, चली गई, चली गई, अर्थ नहीं खींच पाया, इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दिया, इतना स्पीड से फेंका इसको, इस बार इतना ताकत दे दिया नीचे से कि ये फिर चली गई। राहुल प्रिया ऊपर भजन कर रहे बैठ के अब आज 100 साल से, समझा कि नहीं समझा? तो हमारा राहुल प्रिया यहीं खत्म, ग्रेविटेशनल में अभी खत्म हो गया, इनको शुरू किया था यहां से, अब नेक्स्ट चैप्टर में किसी और को इनवाइट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से चले गए, समझा ना क्या हुआ प्रैक्टिकली, मस्त, मजा आया कि नहीं मजा आया? तो भाई अब डेफिनेशन क्या है एस्केप वेलोसिटी, मतलब एस्केप हो गया अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से हमारी जो रॉकेट, मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रॉकेट है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एस्केप हो गया। तो एस्केप होने के लिए कितनी वेलोसिटी लगी? वही वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया छोरे? समझा क्या? तो हमारे ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर भगाने के लिए कितनी वेलोसिटी देनी पड़ी इसको? पहले कम दिया था तो नहीं जा पाया था, इस बार ज्यादा दिया तो चली गई। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को दोगे कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चली जाए, एस्केप हो जाए? समझा? तो यहां डेफिनेशन लिख लो साइड में कि मिनिमम 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 वेलोसिटी गिवेन टू एन ऑब्जेक्ट so that object can escaped from earth gravitational influence। समझ रहे हैं सब? अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस देन that minimum velocity
city is nothing but escape velocity tenant. Samjha, this is the definition. Just write it in all examination. You will get full marks. Samjha? तो ये जो मैंने समझाया है, अगर ये एग्जाम में आएगा तो इंग्लिश में लिख लोगे ना, डेफिनेशन तो लिख दिया मैंने, मस्त अच्छे से लिख लेना। अभी चलो इसकी थियरी भी सॉल्व करेंगे, तो चलो अच्छे से सॉल्व करेंगे अभी ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी की थियरी, ठीक है? आ जाओ, तो अब हम शुरू करेंगे। तुम एग्जाम में कैसे लिखोगे अगर एस्केप वेलोसिटी आ गई तो एस्केप वेलोसिटी ऐसे लिखने का टॉपिक एग्जाम में, ऐसे सॉल्व करने का। ए भाई, तो एस्केप वेलोसिटी, चलो सॉल्व करते हैं कैसे। ध्यान देना अच्छे सब लोग, इधर ध्यान दो, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी की थियरी पूरी प्रूफ करने जा रहा हूं, आप पूरा डेफिनेशन लिख के अच्छे से कैसे एक थियरी लिखी जाती है वो पूरा प्रूफ करने जा रहा हूं। तो एस्केप वेलोसिटी अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि मैंने वहां पे अभी लिख दी थी, दो दो बार लिख पड़ेगी। तो ए मिनिमम वेलोसिटी, अब अच्छे से लिखूंगा, ए मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट रॉकेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वैसे रॉकेट को ही बाहर भेजते हैं, एन ऑब्जेक्ट सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी स्केप्ड फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी, वो समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहा हूं, अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस देन दैट मिनिमम velocity is nothing but escape velocity. Escape velocity. तो ये definition हो गई ना, अब आगे बढ़ते हैं ना, अब proof, थोड़ा सा formula कितनी लगेगी, proof देखते हैं। definition हो गया, proof देखते हैं, देखो अच्छे से। So suppose VESC is escape velocity, तुम्हारे बुक में डायरेक्टली कर दिया, मैं थोड़ा अच्छे से करूंगा, बीच में थोड़ा सा वो जो नीचे नहीं क्या कंडीशंस वगैरह लास्ट में नीचे दिया हुआ उसको छोड़ देना, उसको बाद में बताऊंगा। तो escape velocity ये है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, अब अर्थ की बात है ना यहाँ पे, फिर रेडियस R है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है? यहां ध्यान देना ना, अब आगे स्लाइड में लेके चलता हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो फटाफट, फिर आगे तुम भी देखने का, पहले लिख लेने का क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज फिर दिखा नहीं पाऊंगा ना, तुम लोग लिखते जाने का ऐसा। अब आगे आ जाओ, हियर वी नो दैट, हमें पता है कि वी नो दैट कि कभी भी एनर्जी कंजर्वेशन होती है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो, क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल? तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो भी तुम्हारी टोटल एनर्जी होगी, ये रूल का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारी टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होती है। तो एग्जैक्टली टोटल एनर्जी जीरो का मतलब क्या है कि जो, अच्छा टोटल एनर्जी मतलब क्या, तो कभी भी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये बात आप लोग ध्यान देना अच्छे से, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था gmm/r, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, तो इन दोनों का इक्वल टू जीरो ना, तो यहां पर एग्जैक्टली क्या चीजें आ जाएंगी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो और ये क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। तो काइनेटिक क्या है, 1/2। अब हम एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं,
हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे वेलोसिटी मुझे क्या लेना पड़ेगा, ईएससी, इस वी के जगह में वीईएससी लूंगा, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी है, जी एम एम अपॉन आर इक्वल टू जीरो। ये समझ में आ गया, वो साइड में लिख लेना कहीं भी, टोटल एनर्जी जीरो होती है इन द कंजर्वेशन में। चलो अब हम इस प्लस माइनस को माइनस आ जाएगा ये, और कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और यहां पे क्या मिलेगा, वन अपॉन टू एम वी ई एस सी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। समझा अच्छे से, अब इस माइनस सिंबल को उस तरफ लेके जाओ, ये क्या लिख दिया, ठीक है, ये माइनस सिंबल को उस तरफ लेके जाओ, क्या करोगे, ये पूरा माइनस वाले टर्म को उस तरफ लेके जाओ, तो वन अपॉन टू यहां पे क्या जाएगा, ये सेम टू सेम पहले कॉपी मारो, वन अपॉन टू स्मॉल एम वीई एस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये माइनस टर्म को उधर लेके जाओ, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। यहां पे तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, ये एम कैंसल हो जाता है, तो क्या बचेगा, वन अपॉन टू वीई एस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अपने को सिर्फ एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो इस टू को उधर भेज दो, तो VESC is equal to 2GM by R का स्क्वायर। अब अपने को ये V स्क्वायर नहीं चाहिए, ये स्क्वायर हटाना है, तो यहां लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट क्या आएगा यहां पे, तो VESC is equal to स्क्वायर रूट ले लोगे, तो यहां पे लिख देता हूं, चलो ठीक है, और यहां पर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 2GM by R का स्क्वायर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ जाओ, स्क्वायर रूट कभी भी स्क्वायर रूट जो होता है स्क्वायर को खत्म कर देता है, तो इसीलिए तो स्क्वायर रूट लिया है, तो VSC is equal to, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान देना अच्छे से, यार स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, यार ये सिर्फ R है ना, मैंने ये गलती करते चल दिया, मैंने यहां पे सिर्फ R है, देखो मेरे से भी गलती होती है, गलती हर इंसान से होती है, ठीक है, ये सिर्फ R है, तो यहां पे रूट 2GM by R, तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। समझा अच्छे से, ध्यान रखना इस चीज को, चलो तो इस बात को समझ के रखना, मतलब यार देखो हमने किस तरीके सॉल्व किया, हमने पहले कॉन्सेप्ट समझा था कि कभी भी हमारी रॉकेट जब यहां से अर्थ के ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस को क्रॉस करती है, हमारी रॉकेट जब अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को क्रॉस करती है, तो कितना वेलोसिटी तुमने उसको दिया, मिनिमम कम से कम कितनी वेलोसिटी दोगे, मिनिमम, मिनिमम वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम कितनी वेलोसिटी दोगे कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एस्केप हो जाए, बाहर चला जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है, तो वही पहले डेफिनेशन लिखा, आप कितनी दोगे, तो अपने को पता थोड़ी है। अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट का कुछ तो वेट था, तो अर्थ का मास कैपिटल एम है, अर्थ का यहां से रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, अब बताओ कितना वेलोसिटी इसको तुम देते बैठोगे, नहीं पता है ना अपने को, तो सॉल्व करेंगे ना अर्थ की। अब देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस ऑब्जेक्ट, मेरे को भी फेंकना रहे, ये पेन को फेंकना रहे, दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट को अर्थ से अगर फेंकना है तो अर्थ की स्केप वेलोसिटी फिक्स है, चाहे तुम ये बोर्ड फेंक दो, चाहे ये फेंक दो, कुछ भी फेंको, कपड़ा फेंको, पेन फेंको, मार्कर फेंको, ये फेंको, कुछ भी अर्थ में फेंकोगे, अर्थ से बाहर फेंकोगे, तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी फिक्स है, मतलब एक फिक्स वेलोसिटी है, उतनी वेलोसिटी लगा दोगे ना तो कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर चले जाएगी, चाहे रॉकेट को फेंकना रहे, चाहे ट्रेन को फेंकना रहे, चाहे हवाई जहाज को फेंकना रहे बाहर, किसी को भी फेंको, लेकिन अर्थ की फिक्स है। ऐसे अपने मून की भी होगी तो वो भी फिक्स होगी, ऐसे सबकी अपनी अपनी एस्केप वेलोसिटी फिक्स होती है। तो क्या है वो फॉर्मूला, क्या है निकालने का कि वो फिक्स वेलोसिटी कितनी है, तो यही हमने डिराइव किया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, ये हमने थोड़ा सा याद भी करने का चीजों को, तो ये लगाया, फिर ये आ गई, ये सब पता चल गया, कैसे कट किया, जो जो कटता काट दिया, लास्ट में मिलते मिलते ये मिल गया फाइनल वेलोसिटी, तो ये हमारी फाइनल है। और रियलिटी में अगर एक बात बताऊं तुमको, एक और फॉर्मूला बनता है, आ जाओ दिखाता हूं, ये दो फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी के, तो भी निकाल देता हूं, तो यहां पे देखो रूट टू जीएम बाय आर है ना, यही फॉर्मूला है ना, इसी में अगर मान लो मैं ऊपर भी आर और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, तो रूट टू जीएम आर अपॉन में यहां पे आर आर मिलके क्या मिलेंगे, आर स्क्वायर, और तुम सबको पता है कि जीएम बाय आर स्क्वायर क्या होता है, जी होता है,
क्या होता है जी, और एक कैपिटल आर या टू, तो रूट टू जी आर, ये भी हमारी एक एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। यहां पे लिख देना स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर का स्क्वायर। ये तो हम कर ही सकते थे ना, ये तो अपने हाथ में समझा ना अच्छे से, तो ये भी आप लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर स्केप वेलोसिटी। समझा? तो चलो यार फॉर्मूला मिल गया कि स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी है, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो फॉर्मूला भी मिल गया अपने को, ठीक है, और अर्थ में से किसी को भी बाहर फेंको तो फिक्स है स्केप वेलोसिटी, मतलब उतनी वेलोसिटी लगा दोगे ना तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से बाहर चला जाता है। तो कितनी होगी वही निकालने के लिए पहले फॉर्मूला निकाला, तो यही मेन फॉर्मूला मानेंगे। और चलो आ जाओ अब निकालते हैं कि हाउ मच स्केप वेलोसिटी इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, समझा, सो दैट ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाए, कितनी लगाएंगे। तो फॉर्मूला पता चल गया ना अभी, कितना है रूट टू जी एम बाय आर, समझा अच्छे से। तो चलो यहां पे लगाओ अभी, तो टू और जी की वैल्यू फिक्स है 6.67 × 10⁻¹¹। एम कितना है अर्थ का मास, 6 × 10⁻²⁴ अपॉन अर्थ, आर रेडियस कितना है 6.4 × 10⁻⁶ ग्राम में है। चलो अब आगे बढ़ो, इसको सॉल्व करो फटाफट, इसको पूरी वैल्यू को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, 2 × 6.67 × 6 × 10⁻¹¹ × 10⁻²⁴ अपॉन में 6.4 इधर रख लो और 10⁻⁶ को साइड में ले लो। समझ में आ रहा है? तो ये तुम लोग यहां पे सॉल्व कर लोगे, इसके बाद जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मिलेगी वेलोसिटी। समझा अच्छे से? तो इस बात को अच्छे से यहां पे ध्यान रख लो। अब ये कैलकुलेशन कैसे करना है उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को कैलकुलेशन ही नहीं पता है। तो ये सेम टू सेम, अब देखो तुम लोगों को यहां पे चीजें मालूम है ना कि अर्थ का मास कितना होता है 24 किलोग्राम में, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू तुम्हें फिक्स है, पता है कि यहां पे -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। और रेडियस भी मैंने तुमको बताया था कि कैसे याद करना है, इस तरीके से समझा, किलोमीटर में। बाद में इसको कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें 10⁻³ से मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा और बाद में तुम्हें आंसर मिलेगा 10⁻⁶, क्योंकि ये पॉइंट इधर भगाया था। समझा अच्छे से? तो ये सारी वैल्यूज जब फाइंड करोगे तो अर्थ की स्केप वेलोसिटी इतनी मिलती है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो भी अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बाहर भगाना है तो उसको कितनी तेज से फेंकना पड़ेगा, किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अर्थ से किसी को अगर बाहर फेंकना है ना तो 11 किलोमीटर की रफ्तार से, मतलब एक सेकंड में 11 किलोमीटर भागेगा ना कोई चीज तो ही अर्थ से बाहर जा पाएगी। सो दिस इज द स्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ। समझा अच्छे से? वो फॉर्मूला तुमको स्केप वेलोसिटी का मिला है। और इसी चीज से हमारा लेक्चर नंबर 9 खत्म, ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म। समझ में आया अच्छे सब लोगों को? किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक? कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी एक्सरसाइज की आएगी कंप्लीट, मतलब 2.5 घंटे 3 घंटे की भी बनेगी ना, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज दे दूंगा तुम लोग को, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल है, उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर बताऊंगा। तो एक एक चीज को अच्छे से पूरे लेक्चर 9 घंटे में पूरे हमने आज इस चैप्टर को खत्म किया, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज को डिटेल में बुक्स की, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी, सॉल्व एग्जाम्पल सब कुछ हमने किया, इसलिए इतना टाइम गया है। तो बस अच्छे से देखते रहो, कमेंट में अच्छे से बताना कि कैसा लगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, ठीक है, और अच्छी लगी वो वीडियो तो ही लाइक करना और सभी को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।